साला जीजवा के जब हम देखे आए थे तो पूरा ना चादर बिछैले था, आज बेटा के अगुआ आया है तो नया नया चादर बिछा दिया एकरी बहन के। का बात, फेकना के घर में बड़ा चहल पहल है। उ का है ना गुरुजी, मोटका का अगुआ आने वाला है। ए जीजा जी, अरे लड़की वाले सब आ गए, जल्दी आइए। रे बाबा रे, रे पानी लाओ ना रे। अब मेरा यार किसा दी होगा, अब मेरा यार, अब मेरा यार किसा दिन होगा। कथु हुआ रे? अरे दोस्त, बहुत बड़का गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया है? हाँ दोस्त, हाँ सब कुछ ले लिए हैं, खाली दाल बूटा बिस्कुट लेकर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, रख तू फोन। अब भैया एक पैकेट दाल बूटा एक पैकेट बिस्कुट लावता, और हाँ सब सस्ता सस्ता वाला दी, हाँ अगुआ सबके खियादा है। आ जानते हैं अगुआ सबके ना सस्ता सस्ता वाला आइटम खियाना चाहिए, महंगा महंगा आइटम खिया दीजिएगा, कहीं लड़का को पसंद नहीं किया जानते हैं बहुत अफसोस होगा, पैसों बर्बाद हो जाएगा। एहले भैया सस्ता सस्ता वाला दी हा, एक्सपायरियो चलता है। जानते हैं सस्ता सस्ता वाला खियाइएगा ना, लड़का पसंदों नहीं आया ना तो ज़्यादा अफसोस अफसोस ना होगा। अच्छा रहती भैया, उधर तो जितना सामान ले लिया ना सब घटिया से घटिया वाला ले लिए। लावा लावा लावा, पैसा ना दिल को हा, खाता में लिख लिया फेकन जाके। बहुत घटिया सोच का आदमी है, भगवान करे ऐसन घर में किसी का शादी ना हो। लीजिए। मुंह का गटर खोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। हमरा पता थोड़ी ना था कि वह सब अगुआ है। अगर हमर बियाह टूटा तब हम तुमको बताएंगे। शांति दोस्त। रे कहां सटल रह गया रे? जय बजरंग बली, चल दोस्त चल। रे मुंह पर हाथ काहे ला रखले है रे? चचा राहु काल चल रहा है इसीलिए मुंह छुपाए हुए हैं। वन पंडित बोल दिया है कि राहु काल चल रहा है रे, हटाओ हाथ। चचा हाथ हटा दिया तो ब्याह कट जाएगा। बाग बुर्बक, हाथ हटा कर पानी दो। ओ लीजिए, हटा दिए हाथ, आप खुश? हाँ ठीक, पानी दो। ले पकड़ तो नील, लीजिए पानी। तनका मुंह पर से हाथ हटाइए ना। अरे हटाइए ना। अरे बस कीजिए मर्दे, आप वही है ना जो आज चौक पे मिले थे? कब मिले? आज तो हम चौक पर गेवे नहीं किए हैं। झूठ का ला बोल रहा है कुटुंब से? अरे गया तो था सामान लाने चौक पर तू। पर हम इनसे नहीं मिले थे, आप ना किसी और से मिल लिए होंगे। दुनिया में ना एक आदमी का साथ हम शकल होता है, कहीं आप हमर हम शकल से मिल लिए होंगे। आप लोग पानी पीजिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। चल नील। हो सकता है पापा, इतना नजदीक में हम शकल? अरे बाप के लक्षण कहीं खराब होगा। सोच क्या रहे हैं, पीजिए पानी। हाँ पी रहे हैं। गांव मोहल्ला सब ठीक ठाक है? हाँ बहुत बढ़िया है। लीजिए नाश्ता। मुँह कथी देख रहे हैं, सब एक नंबर वाला है। लीजिए लीजिए लीजिए, आप लीजिए लीजिए लीजिए। राम रूप चाय नाश्ता? ना ना हम ना लेंगे, अरे हम तो गांव घर वाला आदमी है ना। ले लीजिए राम रूप भाई, ले लीजिए लीजिए। ना ना खाएंगे हम। अच्छा ठीक है, ले जो अंदर। अब लाइए, अब इतना प्यार से लेके आए हैं तो खा लेते हैं। मिठाइयां ना दिए हैं कि? नाश्ता की व्यवस्था तो बड़ा टाइट कहले है। जी गुरुजी, काश आप ओकरा से लंदफंद नहीं किए रहते तो आज हम लोग भी चाटते रहते मिठाई के रस। चाहे कतनो निमन निमन मिठाई खिला ले, काजू किशमिश बादाम खिला ले, लेकिन ब्याह तो हम नहीं होने देंगे। ब्याह नहीं होगा।
साला जी। हाँ जी जाजी, मुंह में लीजिएगा। नाश्ता लेंगे। नाश्ता लीजिएगा सारू जी, अरे लीजिए लीजिए खाइए। अरे हम तो नहीं हो खाएंगे तो चलेगा, गांव घर वाला आदमी है ना। हम पूरा भरल वाला लेंगे। रे बउआ रे, एक प्लेट नाश्ता और लेकर आओ। था सारू जी, अगर आपको भूख लगल था तो हमको पहले ना बोलते आप। चाचा लीजिए नाश्ता। ला लीजिए। कह रहे हैं थोड़ा लेट हो रहा है, तनिका लड़का के बुला देते तो देख लेते। हाँ हाँ बुला देते हैं। अरे बउआ, अरे तनिक चंदन को लेकर आओ। था सभी लोगों को होलसेल में प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राम रूप चचा, आपको खुदरा में प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आओ हमारे ढोटी में का चूस लो। हम लोग चाचा भतीजा है ना, सब मार मजाक चलते रहता है। हाँ हाँ, ये हमारे सबके छिनार चचा है। लड़का आपके सामने में है, जो पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, इसमें पूछने वाला क्या बात है। अरे लड़का समझदार है, तब ना सरकारी नौकरी लगा है। अब भले वो बात अलग है कि सकल से तनी बुड़बक लगा लगता है। मामू ए भागीना। अरे हाँ मोहन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे लड़का समझदार है तब ना नौकरी लगा है जी। हमको तो सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए था, लड़का हमको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, हमको भी लड़का बहुत पसंद है। बउआ तुमको पसंद है? ठीक है, लेकिन तनका मोटा है। अंदर का जी देख लिए। हम शरीर का बात किए हैं। जा जा जो बउआ, अंदर जो, तो काम हो गया। चल चल। कह रहे थे कि अगर लड़का पसंद आ गया है तो तनका लेन देन का बात कर लिया जाए। हाँ हाँ, वैसे कितना मांग है आपका? ज्यादा मांग नहीं है, क्योंकि हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। बस आप अपना खुशी से 50 लाख रुपया एगो चार चक्का दे दीजिए। कि रामरूप भाई सही बोले है ना? हाँ ठीक है। सुनिए ना, आप जितना पैसा मांग रहे हैं ना, उतना आपका चपरासी बेटा पूरा जिंदगियों में नहीं कमा पाएगा। मच्छर है दिनों में लग रहा है। hey, चुप चुप, ऐसे बोला जाता है? देखिए आपका मांग बहुत ज्यादा है, वैसे हम लोग थोड़ा आपस में विचार कर लेते हैं। हमार मांग तो बहुत छोटा है, बस आप लोगों का औकात कम है। जाइए जाइए, विचार करके आइए। पचास लाख रुपया मांग रहा है, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है? ज्यादा? अरे बहुत ज्यादा मांग रहा है। न घर है न द्वार है, अब 50 लाख मांग रहा है। पापा हम तो कहने की रिश्ते नहीं कीजिए। बक, हड़बड़ाए से कोई काम नहीं होगा, तू सबर कर सब हो जाएगा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपका परिचय? ये हुए हमारे गांव के सबसे घटिया आदमी, सबसे शरीफ आदमी। देखिए जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आपने कहावत सुनी होगी, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हाँ सुने हैं। तो आप ठीक वही काम कर रहे हैं, इस घर में अपनी बेटी का शादी करके। ये दोनों बाप बेटा एक नंबर का घटिया और निकम्मा किस्म का आदमी है, पूरा गांव में दोनों बाप बेटा उधार है। हमारी मानिए तो इस घर में अपनी बेटी का ब्याह मत कीजिए। आप भी वो कहा सुने हैं क्या? राय और ज्ञान किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए, नहीं तो लोग झांटू समझ लेते हैं। गुरुजी चलिए यहाँ से, नहीं तो चार गिलास गिरा देंगे हम। चल बेटा। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े लगा देंगे, लेकिन ब्याह तोड़वा देंगे हम ही, ब्याह होने नहीं देंगे। मोहन जी। जी जी। तनिका इधर आइएगा ना। आ रहे आ रहे जी। देखिए उतना तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सूखा सूखी 15 लाख दे देंगे, बहुत कम है।
चपरासी के औकात से ज्यादा है। चुप चुप, देखो ना अपने कुछ हो पाए तो। वैसे रुकिए, हम अपने जीजा जी से विचार करके आते हैं। जी जी जीजा जी। हाँ, 15 लाख बोल रहे हैं वो लोग। दामाद खोजने आए हैं सरकारी नौकरी वाला, और दाम लगा रहे हैं साग सब्जी वाला। जितना हम मांगे हैं उतना में सक्षम है तो बोलिए, आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ रिश्ता उश्ता का कमी नहीं है। काहे कि सरकारी नौकरी वाला बात है ना। जीजा जी तनी औकात में रहिए। अरे जैसा घर द्वार है ना, वैसा में कोनो अपना फ्रीओ में लड़की नहीं देगी। वो तो हम झूठो के बता दिए कि आपका 3 बीघा जमीन है, नहीं तो घर देख के भाग जाता। अरे साला जी, सब बात आप जानवे करते हैं तो जाकर फिक्स कीजिए ना। जाइए जाइए, फिक्स कर दीजिए, जाइए जाइए। चलिए ना, हमारा बात ना आपका बात, 20 लाख रुपया दीजिए और शादी फिक्स कीजिए। नहीं, हम तो 15 लाख देंगे। अच्छा 15 में फिक्स। वैसे भी हमारे जीजा जी दान दहेज के पीछे नहीं भागते हैं, और वो तो लड़की सुंदर है इसलिए मानियो गए हैं। अच्छा तो तनिका लड़का के बुला दीजिए, हम लोग छेक देते हैं। हाँ अभी बुला देते हैं। रे चंद्र बउआ, तनिका बाहर आओ तो। कही तली की केते से छेक दिए? 5000 से छेकवा दियो ना। ले बउओ, ले 5000 और दामाद जी के छेक दही। कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हमार दोस्त सब लड़की देखेगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगा। अरे बउआ, हम लड़की देखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है, तो पप्पू देख ले हैं। आप लोगों का चॉइस बहुत पुराना है, हम लोग अपने नजरिया से देखेंगे। अरे छोड़ा, तू बाप से बड़ बनेगा रे। कोई बात नहीं है, आज हम लड़का छेक देते हैं, कल आप लोग आइए लड़की देख लीजिए, आगे का बात वहीं किया जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, समझे साहब। अरे बउओ, जाही दामाद बाबू के छेक दही। रुमाल ना। अरे ले जो, बैठ जाइए मेहमान। तो दोस्त आई में तो 4 गो फूल हो जाएगा। अरे बउ, अरे तू सब जो अंदर। चल चल ठीक है समधी साहब, चलते हैं, कल आइए, खाना पीना खा के जाइए। ना ना रहने दीजिए, आप बनल है समधी साहब, झूठ ना बोलिए। अच्छा ना खाइएगा तो आप धोती पहन लीजिए ना। नहीं नहीं रहने दीजिए, कल आइए, जो होगा वहीं पे होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है समधी साहब, तो प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। यहाँ पे कुछ जलता हुआ महक रहा है, जैसे कि किसी का पिछवाड़ा जल रहा है। पिछवाड़ा जल रहा है? ना, बोल ना, पिछवाड़ा जल रहा है? पता लगाओ, पता लगाओ कि लड़की वाला का घर कहाँ है। बिया हम होने नहीं देंगे, बिया नहीं होने देंगे। गुरुजी आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ए, तू दोनों के खर्चा पानी आज से बंद। गुरुजी, गुरुजी, आफिस से बंद। मालूम करो कि लड़की वाला लोग कहाँ से था, गांव का नाम क्या है। जी गुरुजी।